अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन मंचूरियन बनाना, जो कि मेरे स्टाइल है, मेरे स्टाइल में बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने लिया है केचप, चिकन मंचूरियन और चिकन। वो चिकन को मैं बॉईल करूंगी, इसमें मैं नमक डालूंगी, मैं लाहौरी नमक यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसको हम बॉईल करने रख देंगे और दूसरे चूल्हे पर हम पानी बॉईल करने रखेंगे, जिसमें हम नमक डालेंगे और ऑयल डालेंगे। इसमें मैं मंचूरियन बॉईल करने डालूंगी, इसलिए मैंने नमक और ऑयल डाल के इसको बॉईल होने रख दिया है। ये चिकन मंचूरियन का डब्बा है, ठीक है। इसमें ये हमारी मंचूरियन है और ये इसका सास वो मसाला है, जिसका टेस्ट के लिए डाला जाता है। मेरा पानी बॉईल हो गया है, मैं इसमें मंचूरियन डाल रही हूँ। हम इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, कहीं इनकी एक जॉइंट हो जाते हैं ये, इस वजह से हमें इनको चलाता है बीच बीच में। ये देखिए, मैं इसको 10 मिनट्स बाद देख रही हूँ। देखिए, ये मेरे बॉइल हो चुके हैं अच्छे से, ये 10 मिनट्स में बॉइल हो जाते हैं। फिर मैंने इनका पानी निकाल दिया है और उसको अच्छे ठंडे पानी से धो लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाली हूँ, मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैंने जो चिकन बॉयल की थी उसको मैंने बोनलेस किया है और उसको छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया है और ये कटोरी के बराबर हुआ है। देखें, मैंने ये सारी चिकन इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, मैं 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ नॉर्मल। अब मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आप जितनी मिर्चें रखना चाहते हैं चिली सॉस उसके हिसाब से डाल सकते हैं। स्पाइसी रखना चाहते हैं तो तेज भी रख सकते हैं और कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। अब ये जो इसके साथ टेस्ट पाउडर आता है वो मैं डाल रही हूँ। बच्चों के हिसाब से बनाएं तो ये पाउडर कम डलेगा और बड़ों के हिसाब से बनाएं तो ये पाउडर पूरा भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होता है। मैंने इसमें थोड़ा डाला है, आधा पैकेट यूज़ किया है। क्योंकि हम लोग मिर्चें थोड़ी कम खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, इस वजह से। तो इसका मसाला बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। टोमेटो केचप मैं 1 प्याली के करीब यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की होती है और बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। आपके अगर मेहमान आते हैं तो आप बस जल्दी से चिकन बॉईल करें और झटपट तैयार कर लें, बहुत ही इजी रेसिपी है। मिनटों में तैयार हो जाती है और आप आराम से खा सकते हैं। ये मैंने मंचूरियन पानी में निकाल के ठंडी कर ली थी और मैंने अब ये अपने मिक्स में चिकन में मिक्स कर दी है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि मसाला सब में पूरे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं पे रह ना जाए। स्पाइस आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, मैंने नॉर्मल रखे थे। मैं इसमें और थोड़ा
थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और यूज़ किया है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से केचप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। दो तीन सेकंड में ये दम में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं रखते इसको दम में, थोड़ी ही देर में ये स्टीम में आ जाता है और ये तैयार हो जाता है। ये अब मेरा रेडी हो चुका है बिल्कुल। मेहमानों के लिए तो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होती है। कोई भी मेहमान आए आपने जल्दी से तैयार करके दे देनी है, और बच्चों को स्कूल के लिए भी आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रोटीन वाला है। ये मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। मैं इसकी टेस्टिंग करूंगी जो कि मुझे बहुत मजे के लगा था। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था और बहुत ही हेल्दी फूड है, आराम से आप खा सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा।